भगवत बंधुओं, आज एक ऐतिहासिक दिवस है। अपने विश्व को समता का संदेश 1000 साल पहले जो महानुभाव रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज दिए थे, उनकी श्री मूर्ति जिसको समता मूर्ति कहते हैं, और उसी मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम करने के लिए मान्य महोदय अपना पवित्र भारत देश का प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर पधारे हैं। श्री रामायण में वाल्मीकि भगवान कहते हैं, तमेवं व्रतसंपन्नम्। रामचंद्र भगवान को व्रत संपन्न कहते हैं, और लोकनाथोपमं नाथम मेदिनी अकामयता। श्री रामचंद्र भगवान राजा होना है ऐसा लोगों ने नहीं चाहा, ये धरती माँ चाह रही थी। वाल्मीकि भगवान कहते हैं, व्रत संपन्न है ये रामचंद्र और अप्रधृष्य वैभव रहने वाला है। लोकनाथ उपमम, सारा जगत को पालन करने का शक्ति रहने वाला है, ये समझकर माँ ये भूमि ये धरती रामचंद्र भगवान को ये मेरा पालक होना है ऐसा चाहती थी। यहाँ पर अभी पथार कर रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की श्री मूर्ति का अनावरण किए हैं अपना प्रधानमंत्री जी, वैसे ही गुणों से परिपूर्ण हैं, ये भी व्रत संपन्न हैं। हमने सुना और देखा, जब अमेरिका गए थे दशहरा का समय में, वहाँ पर अपना व्रत नियम के अनुसार 10 दिन भी केवल जलपान करते ही अपना समय को वहाँ पर दिए थे, यानि धर्म का पालन करने में और अपना वैदिक नियमों को पालन करने में ये कटिबद्ध होते हैं। यहाँ पर जब आए वैदिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, जो वैदिक स्वरूप से रहना है उसको वो प्रेम से स्वीकार किए हैं, ये भी उनका व्रत निष्ठा को दिखाती है। और श्री रामचंद्र भगवान अप्रधृष्य वैभव रहने वाला है, यानी पराक्रम से जो जो काम करना है उसको अवश्य ही करके दिखा सकेंगे। हमारे प्रीतम प्रधानी नरेंद्र मोदी जी भी अप्रधृष्य है, पराक्रम से देश को अपनी दुनिया में सबसे आगे और सबसे ऊंचाई में रखने के लिए कटिबद्ध होकर अपनी सेना को महत्व और सार्वभौमत्व दिए हैं। देश में रहने वाले गर्व से मैं भारत हूँ, मैं हिंदू हूँ ऐसा अपने दिल में हाथ रखकर कहने का ताकत ये आने के बाद ही हुआ है। गर्व से अब सिर उठाकर हम रह सकते हैं, न केवल हम
माँ भारती भी इनका आगमन के बाद ही कश्मीर रूप अपने सिर को उठाकर मुस्कुराते दर्शन दे रही है। ये इनका अप्रदृश्य शक्ति को दिखाता है। संसार में अपने देश में रहने वाले हर प्रकार की जनता, चाहे वो कोई भी हो, वो सब मिलकर सबके साथ और सबका विकास की नारा से ये देश को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे रामचंद्र भगवान सबको एक कुटुंब बनाकर अपना स्थान को इतिहास में शाश्वत रखे हैं। श्रीमान माननीय मोदी जी भी वैसे ही गुणों से पूर्ण रहते हुए अपना भारत का महत्व को दुनिया में सिर झुकाकर, सिर उठाकर रहने के लिए जो भी करना है वो सब करके दिखा रहे हैं। और उनके अलावा कौन इसी समता मूर्ति को अनावरण करने के लिए अधिकारी बनते हैं? वे प्यार से यहाँ तक प्रयास करके आकर आज भगवद रामायण स्वामी जी की समता मूर्ति का अनावरण किए हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। श्री रामायण स्वामी जी महाराज का एक स्टैम्प वो लोकार्पण करने के समय में श्रीमान मोदी जी 40 मिनट तक रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की समता स्फूर्ति के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को वो बताए थे। और ऐसा महान विभूति के अलावा श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की इसी समता मूर्ति का अनावरण करने के लिए अधिकारी कौन बनते हैं? वे यहाँ पधार कर अभी इस कार्यक्रम करके अपना देश का महत्व को बढ़ाएं।